पीरियड्स के दौरान यहाँ नर्क हो जाती है लड़कियों की लाइफ, ऐसे किया विरोध। भारत में कई लड़कियों पर अपने उन दिनों में कई चीजों को ना छूने की सलाह दी जाती है। इस दौरान लड़कियां न तो अचार छू सकती हैं और न ही किचन के अंदर जा सकती है। कुछ लड़कियां इस दौरान बाल नहीं धो सकती है। कुल मिलाकर इस दौरान लड़कियां अशुद्ध हो जाती हैं। जो कुछ छू देते हैं उसे अपवित्र माना जाता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन नेपाली लड़कियों द्वारा क्लिक की गई फोटोज, जिन्होंने उन चीजों को दिखाया है जो पीरियड्स के दौरान उन्हें छूना मना है। 1981 में स्थापित एक इंटरनेशनल NGO वाटर एड ने नेपाल में पीरियड्स के दौरान लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए उन्हें आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों ने उन चीजों की फोटोज क्लिक की जो उन्हें पीरियड्स के दौरान छूना मना था। इनमें से कुछ तो इतने शॉकिंग थे कि दुनिया के कई लोग हैरान रह गए कि आज के जमाने में भी कुछ लोगों की सोच इतनी पिछड़ी कैसे हो सकती है। नेपाल के कुछ घरों में आज भी पीरियड्स के दौरान लड़कियां घर के अंदर नहीं सो सकती हैं। प्रोजेक्ट में उत्तरा सौदा नाम की एक 15 साल की बच्ची की फोटो क्लिक की गई है, जहां पीरियड्स के दौरान उसे सुलाया जाता था। मिट्टी के उस झोपड़े में ठंड और बरसात में भी लड़कियों को सोना पड़ता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनसे लड़कियों को वंचित रखा जाता है। तो देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, प्रिया की रिपोर्ट।